हेलो एवरी वन वेलकम टू दॉफ्टॉनिक्स बाइट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ द टेबल्स आर क्रिएटेड इन एच तो सबसे पहले ये देखो ये क्या है मैंने एक टेबल लिया है इस टेबल में ये क्या है सब पहला कॉलम यहाँ पे क्या है रोल नंबर नेम एंड मार्क्स मतलब इस कॉलम के हिसाब से नीचे के कॉलम्स में वैल्यूज़ है राइट तो टेबल के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट ये पार्ट हुआ राइट एंड सेकेंड क्या हो गया ये पार्ट इसे क्या बोलेंगे हम ये क्या है डेटा है इसका राइट जो भी हमने ऊपर हेडिंग्स दी है उसका रिलेटेड ये डेटा है तो जो ये हेडिंग्स है रो वाइज उसे क्या बोलेंगे हम टेबल हेड एंड ये जो पार्ट है डेटा वाला इसे क्या बोलेंगे टेबल बॉडी जो भी हमारा टेबल होता है बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट होता है टेबल हेडिंग एंड सेकेंड होता है टेबल बॉडी हेड में क्या होता है बेसिकली जो भी हमारे कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के हेडिंग्स होते हैं राइट सिमिलर टू दैट अब जो ये हमारा हेड है हेड के अंदर भी क्या होता है हेड के अंदर क्या है एक रो है और उसके अंदर एक एक हेडिंग है राइट right? रोल नंबर एक हेडिंग है नेम एक कॉलम की हेडिंग है मार्क्स एक कॉलम की हेडिंग है इसे क्या कहते हैं इसे बोलते हैं टेबल हेडिंग राइट right? कैसे लिखते हैं टेबल हेडिंग टी एच से सिमिलर अब टेबल बॉडी में देखो टेबल बॉडी में क्या है डिफरेंट रोज है राइट right? इस फर्स्ट रो में ऐसे डिफरेंट रोज है इन रो में डेटा है इसे क्या बोलेंगे हम रोज़ को बोलेंगे टेबल रोज एंड इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है उसे बोलते हैं टेबल डेटा अब ये टेबल हम एच में कैसे लिखेंगे हमें सबसे पहले क्या पता चला टेबल में दो पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट्स फर्स्ट होता है टेबल हेड एंड सेकेंड होता है टेबल बॉडी टेबल हेड में क्या होता है टेबल रो होती है एक और उस रो के अंदर टेबल की हेडिंग होती है राइट right? एंड टेबल बॉडी में क्या होता है रोज होती है और रोज के अंदर क्या होता है टेबल का डेटा अब इसे क्रिएट करते हैं क्रिएट कैसे करेंगे मैंने क्या किया है सबसे पहले टेबल टैग लिखेंगे टेबल टैग ये टेबल टैग क्या बताता है हमने टेबल लिखा है इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम टेबल हेड टेबल हेड कैसे क्य लिखते हैं टी हेड अब और क्या है मेन बाट बॉडी इसे लिखते हैं टी बॉडी अब टेबल हेड में क्या है हमारे पास टेबल में हेड में है टेबल्स की हेडिंग्स तो इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ टेबल हेड में टी च टी एच यानी टेबल की हेडिंग अब सेकेंड टेबल बॉडी में क्या है अब पहले तो रोज है डिफरेंट जितने भी हमें रोज चाहिए उतने हम ले सकते हैं तो कैसे लेते हैं रोज यूजिंग टैग टी आर मैंने लिखा है टी आर अब टी आर के अंदर क्या है जितने भी कॉलम्स हैं हमारे उतने हम उसके डेटा एंटर करेंगे मैं लिख रही हूँ टी डी राइट इसे क्या बोलते हैं इसे कहते हैं हम टेबल क्रिएट करेंगे सिमिलर टू वे अब हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे एच में तो मैंने सबसे पहले लिखा टेबल देन उसके अंदर टी हेड टी एंड के अंदर टी एच में टी एच में क्या है कितने कॉलम से यहाँ पे हमारे तीन कॉलम से तीन तो मैंने कितने बार टी एच लिखा है मैंने थ्री बार्स लिखा है हर एक टी एच में फर्स्ट में मैं लिख रही हूँ रोल नंबर सेकेंड में लिख रही हूँ नेम एंड थर्ड में लिख रही हूँ मार्क्स ये थ्री कॉलम्स हो गए अब अब क्या बचा टेबल की बॉडी है अब लिख रहा मैंने अब मैंने लिखा है टी बॉडी टी बॉडी के अंदर अब कितनी रोज है हमारे पास तीन रोज है तो मैं लिख रही हूँ थ्री रोज़ के लिए मैंने लिखा है टी आर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में क्या है कितने कॉलम्स है थ्री कॉलम्स इसके अकॉर्डिंग में वैल्यू ऐड कर रही हूँ फर्स्ट टी डी वन टी डी जॉन टी डी एटीन अब ये फर्स्ट रो हो गई अब हमें और एक रो चाहिए इसलिए मैंने क्या किया है जहाँ पे टी आर एंड हुआ है वहाँ से और एक रो स्टार्ट किए अगेन मैंने लिखा टी आर उसके अंदर सिमिलर वे में मैं टी डी लिख रही हूँ ऐसे करके हम कितने भी रोज़ क्रिएट कर सकते हैं इसे रन करते हैं नाउ यू कैन सी हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है अब आप बोलोगे कि ये टेबल नहीं दिख रहा है टेबल में कैसे होता है लाइंस होते हैं तो वो लिखने के लिए क्या करते हैं हम सिंपली जो हमारा टेबल टैग उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लिखते हैं उसे क्या बोलता है बॉर्डर बॉर्डर इक्वल्स टू वन लिखा मैंने क्या हो गया इसको ये टेबल के फॉर्मेट में आ गया अब देखो हमें क्या करना है हमें ऐसा टेबल फॉर्म करना है ये क्या है इस टेबल में प्रोडक्ट है दो कॉलम से प्रोडक्ट एंड फ्लेवर्स के राइट सबसे पहला प्रोडक्ट है मिल्क और उस, उसके कितने फ्लेवर से? थ्री फ्लेवर से राइट तो इसके इस टेबल में क्या किया है हमने जो ये रोज़ है मिल्क के लिए वो हमने सेपरेट सेपरेट नहीं लिखे हमने क्या किया है उसको एक ही कॉलम दिया और उस कॉलम के आगे थ्री रोज दिए राइट मतलब इसी प्रोडक्ट के ये थ्री फ्लेवर्स है और नीचे भी क्या किया है हमने नीचे हमने दोनों कॉलम्स को भी कंबाइन किया है और सिंगल रो में लिखा है दीज आर एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स राइट अब हमें ऐसा टेबल क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे हम यूजिंग रोज पैन एंड कॉलम्स पैन यूज़ करेंगे तो चलो करते हैं सबसे पहले अब मैं क्या कर रही हूँ मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ इसके अंदर टेबल इसके अंदर क्या होता है टेबल हेड होता है टेबल बॉडी देन टेबल हेड में फर्स्ट रो टी आर लिख रही हूँ उसके अंदर कौन से है? हमारे कॉलम्स के नेम प्रोडक्ट एंड फ्लेवर्स मैंने लिखा टी एच में टी एच प्रोडक्ट्स एंड फ्लेवर्स ना प्रोडक्ट बॉडी में अब टेबल बॉडी में टेबल बॉडी में क्या करना है हमें हमारी बॉडी में के कंटेंट्स लिखने हैं तो सबसे पहले क्या किया मैंने फर्स्ट रो क्रिएट की टी आर बोल के उसके अंदर मैंने लिखा है टीडी मिल्क और उसका फ्लेवर सिमिलर टू और एक की मैंगो और क्रिएट की चॉकलेट अब देखो अब हमें क्या करना है ये लिखा है सिंपली मैंने क्या किया है अभी आ, मैंने यहाँ पे मिल्क कॉमन है इसलिए मिल्क बार बार नहीं लिखा तो मैंने सिर्फ फ्लेवर्स के नाम लिखे हैं और और एक क्रिएट किए और उसके अंदर लास्ट का सेंटेंस लिखा है आप आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है राइट ये क्या हो गया ये फ्लेवर्स भी प्रोडक्ट के लाइन में आ रहे हैं राइट तो अब हम क्या करेंगे आ, मिल्क लिख देंगे आपको समझ में आने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसके लिए तो मैंने क्या किया है आ, जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर मिल्क ऐड किया है टी डी में राइट अब देखो और उसको बॉर्डर दे दी दे। अब देखो क्या हो रहा है अब हमें क्या करना है मिल्क को थ्री रोज से ये मिल्क जो रिपीट आ रहा है वो हमें रिपीट नहीं चाहिए तीनों रोज कंबाइन होनी चाहिए और सिंपली एक ही मिल्क आना चाहिए राइट ये चाहिए हमें सिमिलर टू दैट जो ये सबसे लास्ट की लाइन है उसमें क्या होना चाहिए सिंगल कॉलम में आ रहा है वैसे हमें नहीं चाहिए हमें क्या करना है ये दोनों कॉलम मर्ज करके ये सिंगल लाइन यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे सिंपली फर्स्ट जो हमारा टी है इसमें का जो हमारा आलमंड फ्लेवर है वहाँ का टीडी उसमें क्या करेंगे हम टीडी के अंदर देखो मैं कहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट जो हमारा मिल्क है उसके अंदर टीडी में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं रोस्पैन पैन इक्व टू थ्री रोस्पैन यानी क्या रो को कम्बाइन करना है इक्व टू जितने भी हमें रोस को कम्बाइन करना है उसका नंबर लिखना है मैंने लिखा थ्री अब देखो क्या हो गया ये तीनों रोज कंबाइन हो गई किसमें की फर्स्ट कॉलम में कॉलम में क्यों हुई क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम के डेटा में चेंजेस किए सिमिलर अब हमें क्या करना है कॉलम को मर्ज करना है तो क्या करेंगे हम जो भी हमारा लाइन था दीज आर एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स उसमें क्या लिख देंगे हम टी के उसके अंदर कॉल स्पैन लिख देंगे कितने कॉलम मर्ज करने हैं हमें दो कॉलम मर्ज करने हैं देखो क्या हो गया हो गया क्या मर्ज हाँ हो गई इसे क्या बोलते हैं रोस पैन एंड कॉलम स्पैन, रोस पैन एंड कॉलम स्पैन कहाँ पे लिखते हैं हम जो हमारा डेटा है उसके अंदर टी में लिखते हैं राइट सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ए टेबल्स इन एन एच डी एम एल सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डो नाट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल Thank you for watching.